Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the next disease of liver, gallbladder and pancreas, that is jaundice, जिसको अपन पीलिया के नाम से आम भाषा में जानते हैं. jaundice liver की एक disease है जिसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल 2 mg/dL से ज़्यादा हो जाता है. देखिए नॉर्मल लेवल तो 0.5 से 1 mg/dL, अगर 1 mg/dL से ज़्यादा इसका 1.5 mg तक लेवल हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन हाइपर बिलिरुबिनीमिया कहते हैं, और अगर इसका लेवल बिलिरुबिन का लेवल 2 mg/dL से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको जॉन्डिस कहते हैं. देखिए मैंने आपको जॉन्डिस के बारे में, आप है ना एक बार ऑनलाइन क्लास में एना फिजियो क्लास देखेगा, उसके अंदर मैंने बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म और उसका डायग्नोसिस पढ़ाया, वो आप पढ़िएगा. इस जॉन्डिस को पढ़ने के साथ में वहाँ पर है क्लास अवेलेबल है, आप चेक करिएगा, तो उसके साथ आप इसको पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. देखिए जॉन्डिस जो है वो अगर RBC बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, उसकी वजह से पीलिया नाम की बीमारी हो सकती है. ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी, हीमोग्लोबिन जो है वो इराइथ्रोसाइट से रिलीज होता है, हीम और ग्लोबिन अलग हो जाएगा, ग्लोबिन तो अमाइनो एसिड में चला जाएगा और हीम जो है उससे बिलिरुबिन निकलेगा. ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है जो ब्लड में रहता है, ये ब्लड से जाएगा, इसको लीवर अपटेक कर लेता है. बिलिरुबिन पहले एल्ब्यूमिन के साथ में बाउंड होएगा और फिर इसको लीवर अपटेक कर लेगा. लीवर में बिलिरुबिन जो है वो ग्लूकोरोनाइट ट्रांसफरेज एंजाइम साथ में बाउंड हो जाता है तो उसको अपन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहते हैं. ये एंटीरियर हेपेटिक्स, ये बिलिरुबिन जो है वो बाइल डक्ट से होता हुआ इंटेस्टाइन में चला था और इंटेस्टाइन से वापस ये एंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन में पोर्टल वेन से जा सकता है. इंटेस्टाइन के बाद में ये फीसेस में स्टर्कोबिलिन के रूप में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, या फिर ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड स्ट्रीम से किडनी में जाएगा और यूरोबिलिनोजन के रूप में यूरिन में एक्सक्रीट आउट होगा. ये मेटाबॉलिज्म है बिलिरुबिन का, या आप इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी इसको कह सकते हैं. तो ये देखिए लीवर की स्ट्रक्चर बताई गई है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये चैप्टर में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ. जॉन्डिस में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्क्लेरा का डिसकलरेशन हो जाता है, वाइट्स ऑफ आईज यानी स्क्लेरा का डिसकलरेशन, क्योंकि ब्लड में बिलिरुबिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 3 गुना ज़्यादा वो नॉर्मल से बढ़ जाता है. इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.2 या 0.3 से 1 mg/dL या थोड़ा बहुत ऊपर कहीं तो 1.2 mg/dL तक होती है. टाइप्स और कॉजेस, 3 तरह के जॉन्डिस हो सकते हैं, प्री हिपेटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक. प्री हिपैटिक आप हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, पोस्ट हिपैटिक आप ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं. अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन के ज़्यादा टूटने की वजह से जॉन्डिस हो रहा है तो उसको हीमोलाइटिक या प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं. लीवर में जाने के बाद अगर कॉन्जुगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो हिपैटिक जॉन्डिस कॉज करेगा, और लीवर से निकलता है ये बाइल डक्ट में, अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया हुआ है तो बिलिरुबिन का अमाउंट ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको आप पोस्ट हिपैटिक, लीवर के बाद की कंडीशन, इसलिए पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं. तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस, RBC का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, पर लीवर का फंक्शन इसमें नॉर्मल चलता है. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया में हो सकता है या गॉल ब्लैडर के स्टोन से हो सकता है. हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस या इंट्रा हिपैटिक जॉन्डिस लीवर सेल के डिसफंक्शन की वजह से हो सकता है, हिपेटाइटिस वायरस के इन्फेक्शन से हो जाएगा, ड्रग या किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी से हो सकता है, या जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उनमें ऐसा देखा जाता है. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, ये बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है जिससे कि बाइल का सिक्रीशन ऑल्टर्ड हो जाता है. ये 2 तरह का होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक. एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और इंट्रा हेपेटिक कॉलेस्टासिस की वजह से, बाइल डक्ट में ब्लॉकेज की वजह से एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन आता है जैसे गॉल स्टोन ट्यूमर की वजह से, और इंट्रा हेपेटिक में ब्लॉकेज या स्वेलिंग आ जाती है इंट्रा हेपेटिक डक्ट के अंदर, उसकी वजह से देखा जाता है. क्लिनिकल तो आपको पता है, स्किन स्क्लेरा, पीले आँखें, स्किन, नाखून सब पीले हो जाते हैं. स्टूल भी ग्रे क्ले कलर का स्टूल पास होता है, इसको अल्कोहलिक स्टूल भी कह सकते हैं. स्किन में खुजली मच जाती है, नोजिया रहने लगता है, भूख कम लगती है, चाय के जैसा यूरिन पास होता है और पीटी जो है वो बढ़ जाता है. ये देखिए आंखें पीली पड़ गई, स्किन पीली पड़ गई. पैथोफिजियोलॉजी,
केमिकल टॉक्सिन, किसी केमिकल के टॉक्सिन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आरबीसी डिस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ब्लड में, हिपेटोसेल्यूलर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टिव, ये सारे कॉजेज के हो सकते हैं जो कि जॉन्डिस कॉज कर देते हैं। डायग्नोस, सीरम बिलिरुबिन 0.4 mg/100 ml से ज़्यादा बढ़ा हुआ कॉन्जुगेटेड लेवल रूप में दिखाई देगा, या अनकॉन्जुगेटेड सीरम बिलिरुबिन की वैल्यू जो है वो 0.8 mg/100 ml से ज़्यादा हो जाएगी। यूरिन में बिलिरुबिन एब्सेंट दिखाई देगा, फीटल यूरोबिलिनोजन कम हो जाता है क्योंकि इटनेस टाइम में पहुंच नहीं पाता, और पीटी जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। बस इसके साथ ये जॉन्डिस नाम का आपका टॉपिक कंप्लीट। तो लीवर का ये एक टॉपिक भी और पूरा हो चुका है आपका। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।